अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वी ट्विन 1000cc मोटरसाइकिल न्यू लॉन्च इन इंडिया। तो देखते हैं भाई वीडियो, क्योंकि इंडिया वालों ने एक क्राउजर है भाई, है कूल क्राउजर। अच्छा, बाइक कूल क्राउजर। तो देखते हैं भाई वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। यार क्या हो रहा है इंडियन मार्केट में? ये बाइक अभी अभी लॉन्च हुई है और एक ऐसी सी कंपनी से जिसका नाम भी बहुत ज्यादा टेस्टी है, वो है की वे। और ये जो बाइक है ना, ये है 1000cc की वी ट्विन मोटरसाइकिल है, जिसका की नाम है MBP C1002। 1000cc की वी ट्विन मोटरसाइकिल है। इसका सबसे पहले देख लेते हैं फ्रंट। तो फ्रंट से बाइक कुछ इस टाइप की दिख रही है, काफी हाई ग्रेड लग रही है यार देखने से, क्योंकि ये महंगी भी आएगी ऑब्वियस है। तो R18 इसके अंदर टायर है, और इसके जो टायर का साइज है वो है 130 फ्रंट में। एलॉय व्हील नाइस लुक के साथ में एलईडी इंडिकेटर्स, यहाँ से अगर देख पा रहे हैं इसको तो ये एलईडी हेडलैम्प पे प्रोजेक्टर लगे हैं। मैं छोटे छोटे थोड़ा सा क्लोजअप भी करके दिखा दो, प्रोजेक्टर छोटे छोटे से। और ये जो चीज है, ये है इसका DRL, अगर क्योंकि ये सारी सारी ना कीलेस एंट्री के साथ में आती है। अगर इसका मैं हल्का सा लाइट ऑन करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा सा है। एलईडी हेडलैम्प जो फ्रंट का फेंडर है, ये भी काफी ह्यूज एंड वाइड है यहाँ से, क्योंकि टायर भी काफी वाइड है। और ये वाला जो अगर हिस्सा देखा जाए तो उसको सीमलेस बना रखा है यार, लग रही है ना इंटरेस्टिंग। यहाँ से सबसे अच्छी से एक चीज दिखाऊं, इस वाले फ्रेम से अगर दिखाया जाए तो इसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल पूरा डिजिटल है। एक एलईडी स्क्रीन है जो इसके अंदर काम करे, काफी सारी डिटेल है इसके अंदर। और जो हैंडल है, काफी हाई रेज्ड हैंडल है इसका। टैंक की अगर यहाँ से बात कर लें तो टैंक काफी ह्यूज बड़ा, लेकिन ये वायरलेस की के साथ में नहीं है। ये जो इसकी कीज है, कुछ इस टाइप की कीज है इसकी। एंड टैंक के पीछे ये जो सीट है, ये बहुत ज्यादा डीप है यार, क्या हो तो चीज बनाई है। 1000cc मोटरसाइकिल है, काफी हैवी मोटरसाइकिल के अंदर आएगी। अभी पीछे से इसको लास्ट में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये हिस्सा है देखने वाला। तो टैंक के ऊपर कुछ इस टाइप की स्टाइलिंग है। यहां से अगर देखें तो एक ये भी आगे से निकल रहा है, कुछ पार्ट है, थोड़ा सा डिजाइन का भी पार्ट है ये, क्योंकि आगे वाला पोर्शन खाली नहीं होना चाहिए था। और ये क्रूजर मोटरसाइकिल है तो उसको एरोडायनामिक्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको जरूरत है क्रूज अच्छी स्पीड पे करने की। अब ये देखिए, ये है इसका इंजन लेफ्ट साइड से। तो ये वी ट्विन इंजन है जो कि अभी लॉन्च कर दिया है कीवे ने 1000cc। अगर गियर इसके चेंज किए जाए तो अभी खड़ी बाइक में नहीं होंगे, लेकिन अगर क्लच दबाया जाए तो अरे वाह, एकदम से हो गया, स्मूथ है यार 1000cc के हिसाब से। तो इंजन कंपोनेंट में यहाँ पे तो हमें यही दिख रहा है, हॉर्न है यहाँ पे लगा हुआ, एक ये इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है और इसी के ऊपर देखिए ये जो है, यहाँ पे कूलेंट का साइन है, तो यहाँ पे कूलेंट है ग्रीन कलर का। आगे से अगर देखते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है, ये है फैन का एरिया, और ये वाला जो हिस्सा है, ये है रेडिएटर। लिक्विड कूल्ड है ना, इसको एयर कूल्ड कर भी नहीं सकते थे क्योंकि ये हाई कंप्रेशन मशीन बनाते हैं। इस वाले एंगल से देखे जाए तो यार ये बेल्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल है। आएंगी एक्सपेंसिव, नो डाउट महंगी है ये मोटरसाइकिल, क्योंकि इसके अंदर चीजें ज्यादा है। ठीक है, बेल्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल और एलॉय व्हील अब दिखाता हूँ। एलॉय व्हील है कुछ इस टाइप का, ब्लैक एंड सिल्वर की फिनिश है। ये एल्युमिनियम का पार्ट है, पेंटेड तो ब्लैक होता है, इसको यहाँ से घिस दिया जाता है। फिर एक बड़ी डिस्क ब्रेक यहाँ आती है पीछे, ये साइलेंसर है, डुअल बैरल एग्जॉस्ट इस टाइप का कुछ एग्जॉस्ट है यहाँ से। फिर यहाँ देखते हैं तो ये प्रीमियम नेस इनहेंस कर रहा है। S1000 तो नाम ही नहीं दे सकते थे ना, तो S112 करके नाम दिया है वी, ये S1000 क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर। इतना चौड़ा टायर, अगर टायर को यहाँ से देखा जाए तो 260mm का ये टायर है, काफी चौड़ा है। लेकिन एक चीज अगर देखोगे तो 700cc के अंदर 310mm का टायर था और 1000cc के अंदर 260mm का टायर। लेकिन ये सारी की सारी जो चीजें है ना इस बाइक के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, ये प्रॉपर सी लग रही है, बिल्कुल भरी मैसिव लाउड होने वाली है बाइक यार। दो सिलेंडर चलेंगे यहाँ से अगर देख लेते तो इंजन ऐसा है। लेकिन एक मैं चीज
मेरे को ऐसा लगा ये देखने से कि ब्लैक ब्लैक ज्यादा हो गया इस बाइक में, जैसे कि इन्होंने इसको यहाँ से हल्का सा घिसा है, घिसने के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये निकल गया है। ऐसे इंजन में यहाँ पे कुछ सिल्वरिश या फिर कुछ ब्रांडिंग होनी चाहिए थी डिफरेंट कलर की, जिससे कंट्रास्ट क्रिएट होता, जैसे कि नट बोल्ट है, अगर बिल्कुल भी ब्लैक करना था तो ये नट बोल्ट भी ब्लैक होने चाहिए थे, वरना ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल कपड़े ही नहीं पहन रखे बंदे ने। और इसके अंदर ना ये फुट बोर्ड है, अगर देखा जाए ना तो ये वाले जो बोर्ड है ये फुट बोर्ड है पूरा पूरा प्रॉपर ऐसे करके। ये ब्रेक लॉन्ग ब्रेक है, ये देखिए लॉन्ग ब्रेक है इसके अंदर, छोटी सी ब्रेक नहीं है, तो आराम से आप पैर रख सकते हो और ब्रेक को मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे ना सिर्फ एक ही लॉन्च नहीं हुआ है, सिर्फ ये क्रूजर वाला कीवे का लॉन्च, तो खैर नए नए बहुत सारे प्रोडक्ट हुए जो कि हमने आपको ऑलरेडी दिखा लिए। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये है 500cc के अंदर एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल है, जो कि इनलाइन टू सिलेंडर से लेस है। 500cc के वही सेम इंजन है जो कि कीवे मोटरसाइकिल यूज कर दिया रही है, क्योंकि एक बार इंजन अगर डेवलप हो जाता है अच्छे से वो परफॉर्म करता है तो उसको हर एक कैटेगरी के साथ में डाल दिया जाता है। बाइक कुछ दिखती है ऐसी, नेकेड स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल है ये, और अगर इसको इस एंगल से देखा जाए ना वो लग रही है, छोटी है मशीन, ट्रैफिक के अंदर मैनूवर इजीली हो सकती है, क्रिस्प है, इस वाले एंगल से अच्छी है अगर जहां से आप देख रहे हैं, और अपसाइड डाउन शॉक्स इसमें आ जाते हैं। फिर ये फेंडर एक आ गया और ये अच्छा सा लग रहा है, प्यारा सा, मतलब हैवी है फेंडर। एलॉय व्हील जो है काफी थिक है, अगर मैं बताऊं आपको, क्योंकि कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा हुआ, तो एलॉय व्हील 2 इंच थिक है, इतना चौड़ा तो इसका सिर्फ ये एक स्पोक ही है, पतले वाले नहीं है जो कि टूट सकते हैं। कुछ इस टाइप की इसकी फिनिश है, हर जगह एल्युमिनियम वगैरह का यूज किया जाएगा, मतलब प्रीमियमनेस जो है इनको देने की कोशिश की है बहुत ज्यादा। यहाँ पे आगे रेडिएटर, और अगर इस तरफ से देखते हैं तो रेडिएटर के जस्ट पीछे यहाँ पे इनलाइन टू सिलेंडर है। फिर ये वही वाली चीज यार, ये चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक दे दिया, यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, जैसे ये दिया है ना ऐसा सा कुछ बनाओ यहाँ पे, या फिर ब्रांडिंग को घिसो, कंट्रास्ट क्रिएट होना चाहिए। इनफैक्ट कि इन्होंने सिर्फ ब्लैक देने के लिए ना, देखो ये वाला जो पोर्शन होता है ना हमारा क्लच का, इसको भी पेंट किया हुआ है ब्लैक, ये भी सिल्वर नहीं छोड़ा, तो हो सकता है इट्स पार्ट ऑफ डिजाइन। उसके बाद ये जो टैंक है ये वैसे ही एरोडायनामिक टैंक, और अगर इसको ऊपर से एंगल से देखें तो यहाँ पे छोटा सा MID स्क्रीन है जो कि अभी ऑन नहीं है, क्योंकि कीज इसकी जा चुकी है, और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट वगैरह छोटे मोटे जो एलिमेंट्स है वो मिल जाते हैं। इसकी एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इसके लीवर्स, और लीवर्स इसके कुछ इस टाइप से एडजस्ट होते हैं यार, वाओ। और अगर इस टाइप से देखा जाए तो ये इस टाइप से इसके लीवर्स जो है एडजस्ट हो जाते हैं, देखो कम ज्यादा तेज, कितना नमक खाना है आपको स्वाद के अनुसार या फिर तेज नमक खाना है। तो जी ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू है इन मोटरसाइकिल्स का जो कि लॉन्च हुई हैं। अभी ये जैसी आ जाती है शोरूम्स के अंदर और ये आ जाती है हमारे पास, इन सबको चला के भगा के और दिखाएंगे आपको, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल आप जहां भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तब तक के लिए की वॉचिंग की प्रोग्रेसिंग इंडियन, बाय बाय। किंग इंडियन, किंग इंडियन को भाई जरूर सब्सक्राइब करें जाकर, लेकिन भाई ने जो चीज दिखाई है ना हमें भाई 1000cc, हम तो इधर 100cc सुन लेते थे ज्यादा से ज्यादा, और इससे ज्यादा तो कोई नहीं हम इधर सुनते थे, लेकिन ये जो चीज 130cc या इतना 150cc भी होता है, 150cc हो गया होगा यार, या 200 कर लें भाई, इतना तो होगा, लेकिन ये 1000cc ये तो बलान कोई चीज है, ऐसे जाएगा शर करके हवाओं से बातें करेगा, फ्यूरस में नहीं होता भाई एक, लेकिन वो छोटा होता है, लेकिन उसका भाई सेम टू सेम यही एक नक्शा है, शेव है उसकी भी और इसकी, लेकिन ये तो भाई कमाल है, मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसा देखा। BMW के काफी बाइक्स देखे हैं, लेकिन ये तो भाई उनसे भी बलान कोई बाइक है नहीं, ये आपका ना अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे आप इस तरह के बाइक्स जो है ना वो आपको मिलेंगे मार्केट तो, में नहीं से नहीं लॉन्च हो रही है ना, क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव तो जारी बात इसने होने ही है, वो इतना भी ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ये कि जब ये चलेगा ना तो मजा दे देगा, इसकी स्पीड आउट करो पिछला टायर देखा, सबसे पहले जो आवाज होती है ना वो मजा देती है, जब वैसे रेस देते हैं ना पीछे से एक बार ट्रेन ही चल जाए, ये आप देखो ना इतना खूबसूरत भी बना हुआ है, आपने शायद पहली बार देखा भी ऐसा, लेकिन मेड इन इंडिया ही है ये भी यार, मेड इन इंडिया ही होगा, अगर इंडिया के पास है तो इंडिया ने बनाया, अब कौन सा नहीं, अमेरिका ने बोला हमारी, आप एक
इंडिया में लॉन्च हो रहा है और लॉन्चिंग जब यहाँ पर चलेगा ना ये सड़कों पर दौड़ेगा जब तब मजा देगा। साथ खड़ा हुआ लग अच्छा रहा था लेकिन इसकी जो है ना वो ज्यादा ग्रेस थी, वो दूसरा तो इसके सामने कुछ यार उसके इतने इतने मोटे मैं तो बोलता हूँ टायर थे जो हमने पहले बार पहला देखा था इतने बड़े और उस बलान चीज है ऊपर से उसके जो इंजन ऐसे ही लग रहा था ऐसे ऐसे दो दो इंजन जैसे लगे हुए हैं भाई बात है। एलईडी लाइट एक बाइक जो लवर है ना उनकी चीज उनके लिए ये चीज एक परफेक्ट है। बाइक लवर की तो लॉटरी निकल आती है उन्होंने एक चीज लेनी होती है। अब BMW देख लो उसके भी काफी एक फ्यूचर भी है खूबसूरत भी है लेकिन भाई उससे ज्यादा मुझे तो ये एक ज्यादा अच्छा भी लगा है एक स्पीड के लिहाज से भी अच्छा होगा क्योंकि मीटर भी आप देखें भाई मीटर लगा हुआ है। अब देखो ना एक जो भी चीज आती है एक नई टेक्नोलॉजी से आती है जो भी आप बाइकों को छोड़ दे भी पाकिस्तान में तो वही चल रहे हैं पुराने या एक यामा के है उनकी कोई शेप वगैरह एक खूबसूरत भी है लेकिन दूसरे अभी तो चाइना का काफी माल इधर चल रहा है। चाइना का माल चलो पाकिस्तान को तो छोड़े लेकिन कमाल की चीज है और बहुत प्यारे बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।